शो बंडिया स्टोर में नताशा परिवार को धवल के धोखे के बारे में बताती है। धवल ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि उसने पंड्या बिजनेस के लिए यानी कि पंड्या स्टोर को बढ़ावा देने के लिए उससे प्यार, सगाई और शादी के बारे में झूठ बोला था। उसके प्यार में पागल नताशा इस खबर से सदमे में है। वो लगातार परिवार के लिए मेंबर को उसके धोखे के लिए चुनौती दे रही है, जिससे इमोशनल विस्फोटक होता है। इस हंगामे के बीच नताशा को अंबा के साथ अपनी माँ जैसे संबंध की याद आती है। इससे परिवार पर उसका भरोसा टूट जाता है और उसे ठगा हुआ महसूस होता है। नताशा अपने इमोशनल रिलेशन पर सवाल उठाती है और अपने परिवार के लिए बदला लेने पर सोचती है। आने वाले एपिसोड में नताशा की जिंदगी रोमांचक मोड सामने आएंगे। वह सुमन के दिल के दौरे के लिए खुद को दोषी मानेगी और गुस्से में होगी। वह मकवाना खासकर अमरीश के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करेगी। एक दूसरे सीन में चीकू खुद को चीकू के रूप में बताता है और अपनी मदद की पेशकश करता है, लेकिन नताशा उसे डांटती है और उस पर अमरीश द्वारा भेजे जाने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि अमरीश को पंड्या स्टोर्स कभी नहीं मिलेगा। अब धवल ने खासकर पंड्या स्टोर के लिए नताशा से शादी की है, लेकिन उसे पता नहीं चला था। सच्चाई सामने आने के बाद सुमन को कार्डियक अटैक हो सकता है और नताशा अकेले ही मकवाना परिवार से लड़ेगी। यही से असली लड़ाई शुरू होती है। नताशा यह जानकर हैरान हो जाती है कि धवल ने उसे धोखा दिया और पैसों के लिए उससे प्यार किया। जब नताशा किसी भी कीमत पर अपने पंड्या स्टोर की रक्षा करने का वादा करती है तो चीकू आता है और तनाव बढ़ा देता है, क्योंकि नताशा को उसकी पहचान पर भरोसा नहीं होता है। वहीं आगे चीकू अपनी पहचान बता पाता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा।